उनकी यात्रा का पहला चरण एरिक और ल्यूमा को वडंट ग्रोव तक ले गया, जो जादुई प्राणियों और प्राचीन आत्माओं से भरा एक जादुई जंगल था। ऐसा कहा जाता है कि जंगल की रखवाली एलोवेन नाम के एक शक्तिशाली ड्रियूड द्वारा की जाती थी, जिसे सेलेस्टियल की के ठिकाने का ज्ञान था। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, एरिक और ल्यूमा को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चालबाज प्रेत, संवेदनशील पौधे और रहस्यमय भ्रम। ल्यूमा की विश्लेषणात्मक कौशल और एरिक की सरलता के साथ वे जंगल के परीक्षणों से गुजरे, अंततः एलोवेन के पवित्र उपवन तक पहुंचे। एलोवेन, एक बुद्धिमान और रहस्यमय व्यक्ति, ने एरिक के संकल्प और हृदय की पवित्रता का परीक्षण किया। उसने खुलासा किया कि दिव्य कुंजी केवल वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जिसके इरादे निस्वार्थ हों और जिसका दिल सच्चा हो। उसने उन्हें एक प्राचीन मानचित्र का एक टुकड़ा दिया जो उन्हें उनकी खोज में अगले सुराग तक मार्गदर्शन करेगा।